किसान आंदोलन के सातवें दिन एक तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों का आना लगातार जारी है और शंभू बॉर्डर पर किसानों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, और वहीं इसके साथ साथ जो शंभू बॉर्डर पर सेवादार हैं, जो इन किसानों के खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ जो है ये लस्सी का लंगर जो है वो लगाया जा रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ये सेवा की जा रही है, और ये देसी लस्सी है ये यहाँ पर बांटी जा रही है, देसी घी की जो जलेबी है वो यहाँ पर बांटी जा रही है, देसी घी की जलेबी है, दूध है, क्या क्या कुछ दे रहे हैं आप देसी घी की जलेबी दे नाल दूध पानी। ये कहाँ से बन के आ रही है? ये पिंड खलौर डिस्ट्रिक्ट मोहाली। तो बिल्कुल गांव से जो है ये बनकर आ रहा है, और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देसी घी का साग और साथ में रोटी साथ में अचार, यानी किसानों के लिए हर चीज का पूरा इंतजाम है। गर्मा गर्म साग। एक कौन सा साग है देसी घी में बना है, कहाँ से बनकर आ रहा है ये? देसी घी में बना है जी, सरसों का साग है जी, मोही खुर्द गाँव से आए हैं जी हम। बिल्कुल, तो ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ शंभू बॉर्डर पर किसानों के लिए हर चीज का इंतजाम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर ये चाय का लंगर है, लगातार इन बड़े बड़े पतीलों में चाय बन रही है। यहीं पर दो बड़े बर्नर आपको दिखाई दे देंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चाय बन रही है। थोड़ा आगे चलेंगे, आगे भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर किसान आंदोलन के अंदर जो सेवादार हैं, आसपास के गांव वाले हैं, किस तरीके से वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ये देखिए पूरी की पूरी जो ट्रॉली है वो गन्ने की यहाँ पर खड़ी है, और गन्ने का जूस जो है वो निकाला जा रहा है, और साथ साथ जो जो सूरज देवता जो है वो सर पर है, गर्मी का मौसम है, और उसी को देखते हुए ये देखिए ये इतनी बड़ी मशीन यहाँ पर जो है वो किसानों ने लगाई है, और बकायदा जो जूस है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, पतीला एक लगाया गया है, छान कर जो ये जूस है ये आगे किसानों को दिया जा रहा है। यानी शंभू बॉर्डर पे ये कहा जा सकता है कि आसपास के जो गांव हैं, पंजाब के जितने भी आसपास के गांव हैं, वहाँ पर ना सिर्फ लंगर बल्कि अन्य जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर बांटी जा रही हैं, क्योंकि किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, लिहाजा उनके खाने पीने से संबंधित चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। अम्बाला से कमलप्रीत सबरवाल।